सो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। गेम हो चुकी होगी बंद, सर्वर जो हो चुका होगा मेंटेनेंस में, और आप ढूंढ रहे होंगे कि क्या अपडेट में आने वाला है। सही जगह पे आए हो। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कौन से चेंजेस है, कितने चेंजेस है, गेम कब स्टार्ट होगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट शुरू करता है। तो गेम के अंदर बैटल वाले मोड में तीन नई चीजें ऐड होने वाली है, जिनको बोला जाएगा डिवाइसेस। सबसे पहला है लूट रडार। इस चीज का काम है कि आपके आसपास में जो भी लूट है वो आपको दिखाएगा, आपके पास जो लूट होगी उससे अच्छी लूट ही आपको दिखाएगा। मतलब कि लेवल वन का वेस्ट है तो दो तीन का होगा तो आपको दिखाएगा, सबसे बेस्ट लूट है तो आपको ये सुपर मेडिकेट और जो टोकन्स है वो भी दिखाएगा। दूसरा डिवाइस है जामर, और ये अपने नाम के हिसाब से सिग्नल को जाम करता है। ये आपको सिर्फ एयर ड्रॉप में से ही मिलेगा बैटल रॉयले में, और इसकी एबिलिटी कुछ इस तरह की है कि इसको जब आपने पास आप रखोगे तो आपको कोई भी स्कैनिंग वाली चीजें स्कैन नहीं कर पाएगी, जैसे कि क्लू हो गया, ऑथो हो गया, या फिर यूएवी या मिनी ड्रोन। तीसरा डिवाइस है ग्लूअल मेकर, नाम के हिसाब से काम है। तीन लेवल है इसके, 1, 2 और 3। लेवल 1 पे 4 ग्लूअल, 2 पे 5 और 3 पे 6 ग्लूअल बना सकता है। मतलब आपको वो हग्गू वाला पैड लेने की जरूरत नहीं है, यही ग्लूअल बना के दे देगा बीआर के अंदर। यहां पे मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू टाइम आपको ये ग्लूअल जनरेट करके देगा। जितनी ज्यादा किल करोगे, जितना ज्यादा डैमेज दोगे, उतनी जल्दी आपको ग्लूअल जनरेट करके दे सकता है। अब आते हैं एबिलिटी चेंजेस के ऊपर। तो दो कैरेक्टर की एबिलिटी यहां पे चेंज की गई है, स्काइलर और केंटा। स्काइलर की जो हीलिंग वाली एबिलिटी थी उसे पूरी तरह से निकाल दिया गया है, और वो इंस्टेंट ग्लूअल भी नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि जब भी आप इसकी एबिलिटी को मारोगे तो ये एक रेड कलर का बम बनाएगा, जिसमें जो ग्लूअल होगी वो 2 सेकंड में टूट जाएगी, मगर उसमें भी कुछ लिमिट है, उतनी ग्लूअल टूट सकेगी। दूसरी एबिलिटी है केंटा की। केंटा में ये था कि जब भी आप फायरिंग करते थे तो उसका जो शील्ड था वो टूट जाता था, अब ऐसा नहीं है, इसका शील्ड रहेगा। जब फायरिंग नहीं करोगे तो ज्यादा परसेंटेज ब्लॉक करेगा डैमेज को, और जब फायरिंग करोगे तो कम डैमेज को ब्लॉक करेगा। मतलब विदाउट फायरिंग 70% और विद फायरिंग कुछ 30% जितना डैमेज ये आपको फ्रंट में से ब्लॉक करके दे देगा। उसके साथ जब भी आप नया कैरेक्टर परचेस करोगे या फिर ऑब्टेन करोगे लिंक से, तो उसके जितने भी स्लॉट्स है वो ऑलरेडी आपको ओपन मिलेंगे। गोल्ड या डायमंड डाल के पहले जो ओपन करने पड़ते थे वो आपको ओपन नहीं करने पड़ेंगे, तो आपको अब रिसोर्सेज कम यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद एक और बड़ा चेंज है बैटल रॉयले में, जिसका नाम है वॉल्ट। आपको बड़े से लॉक किए हुए रूम मिलेंगे गेम के अंदर, जिसको ओपन करने के लिए लगेगी चाबी। चाबी आपको मिलेगी वेंडिंग मशीन या फिर पिंक कलर के एयरड्रॉप में से। उसके लिए आपको लगेगा 800 FF कॉइन। एक बार आप चाबी लेके वॉल्ट पे जाओगे, वॉल्ट खुल जाएगा, उसके अंदर से आपको बहुत सारी लूट मिल सकती है। हालांकि मीडियम लूट होगी, इतनी टॉप टीयर लूट नहीं होगी AWM या फिर लेवल 3 की वेस्ट हेलमेट ऐसा कुछ, मगर हाँ एवरेज लूट मिल सकती है जो स्क्वाड को स्टार्टिंग में बहुत अच्छी सप्लाई प्रोवाइड कर सके। अब बात करते हैं वेपन्स की। तो कुछ वेपन एडजस्टमेंट्स आपको गेम में देखने को मिलेंगे। G36 का एसल्ट मोड, ट्रॉगन का शॉटगन मोड, शील्ड गन, MAC-10, पैराफुल, M60 और AUG, इन सब गन्स को बफ मिला है। जितनी एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको नीचे जो पैच नोट्स है उसमें देखने को मिल जाएगी, गेम में जो पैच नोट्स पे जाओगे तब। और एक गन को यहाँ पे नर्फ किया गया है जो कि है M79, और उसको नर्फ करने में दो ही चीजें, या तो इसका रेट ऑफ फायर या इसकी रेंज कम कर दी गई होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही 5:30 को शाम को गेम स्टार्ट होगी मैं तुरंत लाइव आ जाऊंगा। देखो आधा घंटा प्लस माइनस होगा, मगर मैं लाइव जरूर आऊंगा, साथ में मिलेंगे, देखेंगे कैसा अपडेट है, क्या क्या चीज है, पूरा रिव्यू करेंगे। उसी लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइव के नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्लैश स्क्वाड की। तो क्लैश स्क्वाड के अंदर कुछ नए CS के बफ ऐड किए दिए गए हैं, वैम्पायर, निंजा एंड ब्लास्ट। ब्लास्टर का सीन ऐसा है कि बंदे को डाउन करोगे या फिर ग्लू होल को तोड़ोगे तो एक्सप्लोजन डैमेज मिलेगा आपको। उसके साथ साथ जब आप वैम्पायर वाला सिलेक्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में 150 HP मिलेगा, मगर जैसे जैसे किल करते जाओगे आपका HP जो है वो परमानेंटली इंक्रीज होता जाएगा बाई 20-20। एंड एट दी एंड है निंजा, जिसमें आपके हाथ में अगर कटाना है तो आपको डैमेज भी कम पड़ेगा, आप डैमेज भी अच्छा डील कर पाओगे, और आपकी मूवमेंट स्पीड में भी थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। नेक्स्ट अपडेट है पिन सिस्टम के रिलेटेड। पिन सिस्टम पूरी ओवरऑल कर दी है, आइकन के ऊपर जॉयस्टिक दिखेगी, उसको पकड़ के कहीं पे भी मैप में ड्रॉप करो वहां पे पिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको मेडिकिट चाहिए उसको पकड़ के मेडिकिट पे ड्रॉप कर दो, बंदों को मेडिकिट की रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर आप उसको पकड़ के वेपन पे ड्रॉप करते हो तो ऑटोमेटिक मैसेज चले जाएगा कि आई नीड अ वेपन, आई नीड एमो, आई नीड अ मेडिकिट। बैटल रॉयले के अंदर एक और नई चीज ऐड हुई है जिसका नाम है ऑटो रिवाइवल सिस्टम। मतलब कि गेम स्टार्ट होने के पहले 3 मिनट में, मतलब आप जैसे ही लैंड करते हो टाइमर स्टार्ट होगा, अगर पहले 3 मिनट में आप एलिमिनेट होते हो तो एक बार आपको रिवाइव होने का मौका मिलेगा। ये स्पेशली उन बंदों के लिए ऐड किया गया है जो बंदे बहुत ज्यादा रैंक पुश करते हैं और कई बार गलत लैंडिंग होने के कारण या वेपन ना मिलने के कारण स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनका बहुत हैवी माइनस लगता है। अब बात करते हैं थोड़ी नई चीजों के बारे में जो गेम के अंदर ऐड होने वाली है। सबसे पहला है एक नया पैड जिसका नाम है कैक्टस, और इसका काम कुछ इस तरह का है कि जब भी आप 6 सेकंड या उससे ज्यादा एक जगह पे खड़े रहोगे तो आपको ये हर सेकंड पे 10 EP बना के देगा 100 तक,
तो बीआर में जो बंदे कैंप करते हैं उनके लिए भाई ये गोल्डन मौका है अगर आपको के यूज नहीं करना है तो। उसके बाद एक नया कैरेक्टर ऐड हो रहा है जिसका नाम है सेंटिनो, मैंने शॉर्ट में इसको एंटिनो बोला था उसके लिए सॉरी। इस कैरेक्टर की एबिलिटी कुछ इस तरह की है कि ये अपना एक पुतला छोड़ेगा जो सीधी लाइन में 5 सेकंड के लिए जाएगा, अगर आप दूसरी बार इसकी एबिलिटी यूज करोगे तो आप उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओगे और बंदे को चकमा देके लिटरली ग्लूवल के पीछे प्रकट होकर उसको इजिली चपका सकोगे। गेम के अंदर आपको प्रीसेट सिस्टम देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप लिटरली दो अलग अलग प्रीसेट बना सकते हो, एक बैटल रॉयल के लिए, एक क्लैश स्क्वाड के लिए, जिसके अंदर आप अपने कैरेक्टर के स्किल्स, पैट के स्किल्स, आपके लोड आउट, उन सब का एक सेटिंग बना सकते हो। आपको दो स्लॉट मिलेंगे तो एक आप बैटल रॉयल के लिए और दूसरा आप क्लैश स्क्वाड के लिए इजीली यूज कर सकते हो। और अब आपको पैट के स्किल बदलने के लिए पैट वाले डिस्प्ले पे या कैरेक्टर के स्किल बदलने के लिए कैरेक्टर वाले डिस्प्ले पे जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रीसेट के अंदर आपको अगर कैरेक्टर स्किल पसंद करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पहले से रिकमेंडेड कुछ स्किल्स देंगे, स्किल स्लॉट्स, जिसको यूज करके आप अपना स्किल कॉम्बिनेशन इजीली बना सकोगे। उसके बाद गेम में एक नया वेपन लीडर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। रीजन वाइज जो बंदा कोई भी एक गन में सबसे ज्यादा किल करता है तो उसको लीडर बोर्ड में टॉप रखा जाएगा। आप जितनी ज्यादा कोई एक गन को यूज करके डैमेज या किल करोगे उतने आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स जिस किसी के किसी एक गन में ज्यादा है वो उस लीडर बोर्ड में ऊपर रहेगा। उसका एक आपको बैज मिलेगा जो आप अपनी प्रोफाइल पे कहीं अलग अलग जगहों पे दिखा पाओगे। अब आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर मूविंग सेफ जोन देखने को मिलेगा, मतलब कि सेफ जोन है वो पहले से बन जाता था और फिर छोटा होता था, ऐसा नहीं है। अब की बार कुछ ऐसा होने वाला है कि लास्ट जोन में जब कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसके अंदर सेफ जोन ऐसी जगह आ जाता है कि एक बंदा लिटरली एक जगह पे फंस जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता, उस चीज को चेंज करने के लिए अब क्लैश स्क्वाड के अंदर सेफ जोन जो है वो मूविंग होगा, मतलब लास्ट में वो गोल गोल घूमेगा और उसी वजह से जो लास्ट में मेडिकेट बैटल होती है उसका मजा कुछ अलग ही आने वाला है। उसके साथ साथ गेम के अंदर कुछ व्हीकल ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं, मतलब कि पहले जो ढलान नहीं चढ़ पाती थी व्हीकल वो इजीली चढ़ पाएंगे और दूसरा आप जब भी किसी जगह से व्हीकल को निकाल लोगे तो वो लिटरली हवा में अब कूद पाएगा, पहले जो जमीन पे चिपका रहता था ऐसे पागलों की तरह चिपका नहीं रहेगा, अच्छे से जंप करेगा और आपको स्टंट कर दे तो आप गेम में स्टंट्स भी कर पाओगे मगर एकदम हीरोइक वाले नहीं होंगे। उसके साथ साथ डायनामिक ड्यूओ सिस्टम में एक नया चेंज आया है, जब आपका डायनामिक ड्यूओ लेवल 6 पे पहुंच जाएगा तो आप दोनों में से जिसके भी पास कोई कैरेक्टर मैक्स होगा उसका यूज दोनों कर पाओगे, मतलब कि आप और आपका दोस्त दोनों स्काइलर लेके खेल रहे हैं, आपके पास लेवल 2 का है, आपके दोस्त के पास लेवल 6 का है, तो उसका स्काइलर आप भी यूज कर पाओगे, मतलब आपका भले ही लेवल 2 हो आपको जब उसके साथ खेलोगे और दोनों डायनामिक ड्यूओ में हो तो आपको भी लेवल 6 की एबिलिटीज फ्री में यूज करने को मिलेगी। तो गाइस वीडियो में इतना ही था, होप पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, शाम को 5:30 बजे गेम स्टार्ट होगा, लाइव करूंगा, तब मिलते हैं आपको, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।